लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मजदूरों की वापसी को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। तो गृह विभाग ने प्रियंका गांधी को भेजा पत्र, 1000 बसें मुहैया कराए जाने के लिए पत्र भेजा गया है। तो गृह विभाग ने प्रियंका के कार्यालय से बसों का विवरण मांगा है, तो सुरक्षित प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके, उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर ये पत्र भेजा गया है। तो मजदूरों की वापसी को लेकर ये बड़ी खबर R9 टीवी पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर गृह विभाग ने प्रियंका गांधी को पत्र भेजा है, 1000 बसें मुहैया कराए जाने के लिए ये पत्र भेजा गया है। तो गृह विभाग ने प्रियंका के कार्यालय से बसों का विवरण मांगा है। तो मजदूरों की वापसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। और रेजिडेंट एडिटर हरिंद्र चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिंद्र जी, लगातार मजदूरों की प्रवासी मजदूरों को लेकर जो कदम है उठाए जा रहे हैं, अब इसी को लेकर गृह विभाग की तरफ से प्रियंका को पत्र लिखकर बसों की लिस्ट का विवरण यहाँ पर मांगा गया है। यूपी में प्रवासी श्रमिकों की वापसी को लेके जो विपक्षी दल जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उसको लेके अब बीजेपी की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया और सरकार के मुखिया होने की हैसियत से उन्होंने कांग्रेस और प्रियंका गांधी से चार सवाल उन्होंने पूछे और पलटवार किया है। उसके बाद अब अगली कड़ी में इसको देखा जाएगा कि गृह विभाग की तरफ से एक पत्र भेजा गया है और प्रियंका गांधी के कार्यालय को ये पत्र भेजा गया और उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो 1000 बसों का प्रस्ताव जो है प्रवासी श्रमिकों के इस्तेमाल के लिए, उनके परिवहन के लिए, प्रियंका गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यूपी सरकार को दिया गया था और कांग्रेस के डेलीगेशन ने वो पत्र जो है मुख्यमंत्री कार्यालय आके सौंपा था। तो अब ऐसे में जल्द से जल्द कांग्रेस का कार्यालय, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के कार्यालय की तरफ से उन सभी 1000 बसों की पूरी डिटेल्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स के नाम और उनके मोबाइल नंबर और बस की पूरी डिटेल्स जो है गृह विभाग को मुहैया कराई है, ताकि इसका इस्तेमाल जो है, इसका उपयोग इन बसों का प्रवासी श्रमिकों को यूपी में लाने के लिए किया जा सके। तो कुल मिला के एक नया मोड़ इस वक्त इस पूरी राजनीति में, पूरी सियासत में देखने को मिला, जब कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर हमलावर होने की कोशिश जो है योगी सरकार के ऊपर करी थी और सीएम योगी ने मोर्चा संभालते हुए न सिर्फ चार सवाल कांग्रेस से पूछे बल्कि गृह विभाग की तरफ से जो भेजा गया पत्र है, अब सीधे तौर पर ये दिखाता है कि जो कथनी और करनी का जो के बीच का जो फर्क है वो अब कांग्रेस को साबित करना होगा। बिल्कुल, मजदूरों की वापसी को लेकर लगातार सवाल यहां पर विरोधी दलों की तरफ से किए जा रहे थे और एक्टिव मोड में प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा नजर आ रही थी। अब जिस तरह से यहां पर 1000 बसें मुहैया कराने जाने के लिए लेकर ये जो पत्र भेजा गया है, पलटवार तो है ही, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, आए दिन तस्वीरें हम देख रहे हैं मजदूरों की, काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, रोष भी है, नाराजगी भी है। उस लिहाज से भी अब देखना होगा कि किस तरह से मदद होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस प्रवासी मजदूरों की वापसी की बात करती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर इस पूरी सियासत को समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस की तरफ से लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही जो प्रवासी श्रमिकों की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसको लेके बीजेपी के जो राज्य की जो सरकार है, अलग अलग राज्यों की सरकार है और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की गई थी और साथ ही ये दावा किया गया था, ये बात भी कही गई थी कि अगर राज्य सरकार चाहे तो कांग्रेस के जो न सिर्फ पूरी पार्टी फ्रंटल बल्कि जो पदाधिकारी है वो इन प्रवासी श्रमिकों के लिए सड़क पर उतर के इनकी मदद करने को तैयार है। और इसके बाद अगली कदम के तौर पर कांग्रेस की तरफ से 1000 बसों का ये प्रस्ताव भेजा गया था। तो अब देखने वाली बात है कि क्या वाकई कांग्रेस को इन प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके जो आंसू हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उसका दर्द कांग्रेस और प्रियंका गांधी जो हम महसूस कर पा रहे हैं, या महज एक सियासी स्टंट जो इसको कहा जाए, पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इसको देखा जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि गृह विभाग के पत्र के बाद प्रियंका गांधी के कार्यालय से क्या जवाब जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को मुहैया कराया जाता है। बिल्कुल हरिंद्र जी, तो लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर पत्र तो भेज दिया गया है, इस पत्र के जरिए जो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े करती आ रही थी प्रियंका गांधी, उसको भी उसके लिहाज से भी इसको एक जवाब माना जाए सीएम योगी की तरफ से।
जी अस्मा, अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार प्रवासी मजदूरों को हित को लेकर सवाल खड़े करती आ रही हैं, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो, चाहे बयानबाजी के जरिए हो, और अब जिस तरह से यहाँ पर पत्र भेजा गया है गृह विभाग की तरफ से, कार्यालय से बसों का विवरण मांगा गया है, तो एक जवाब यहाँ पर माना जाए उन तमाम सवालों का। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस और प्रियंका गांधी जो है हर मोर्चे पे हमलावर होने की कोशिश जो है राज्य सरकार के ऊपर कर रही है, ऐसे में एक बड़ा पलटवार कहा जाएगा। जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा कि अब कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि कथनी और करनी के बीच का जो अंतर है वो कांग्रेस को साबित करना होगा। कांग्रेस बार बार कहती रही है कि वो सड़क पे जो मजदूर हैं, जो लाचार और भूखे मजदूर हैं, उनकी मदद कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, तो ऐसे में जो बीजेपी शासित जो राज्य हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो कांग्रेस के पदाधिकारियों को इस बात की इजाजत दे, अनुमति दे, न सिर्फ वो खुद सड़क पे पहुंच के ऐसे प्रवासी श्रमिकों की मदद करे, बल्कि जो 1000 बसों का प्रस्ताव था उनके जरिए, उन बसों के परिवहन के जरिए उन प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। अब ऐसे में बड़ा पलटवार किया गया, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से पत्र भेजा गया है, तो अब बारी प्रियंका गांधी की है, वो अपना जो दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है उसको सत्य साबित करनी। बिल्कुल, अब किस तरह से कथनी और करनी में फर्क नजर आता है ये तो वक्त यहाँ पर बताएगा, और वार पलटवार का भी दौर लगातार जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से इस वक्त हम संकट से गुजर रहे हैं, इस संकट से उभरने के लिए एक बात तो जाहिर है अरिंद्र जी, कि कहीं ना कहीं साथ मिलकर, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या सत्ता विपक्ष, सबको मिलकर ही इस संकट से उभरना होगा। देखिए बिल्कुल, एक सीमित समय तक जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं मौजूदा परिस्थिति को देख कर भले ही ये जरूर दावा करती हूँ, ये कहती जरूर रही हूँ कि ऐसे संकट की घड़ी में हम जो रूलिंग पार्टी है और जो रूलिंग पार्टी की सरकार के उससे साथ खड़े, लेकिन ये जो दावा होता है एक सीमित समय के लिए होता है, उसके बाद चूंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं कहा जा सकता है, ऐसे में फिर वही सियासी रंग अलग अलग मुद्दों पे देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि शुरुआत में भले ही ये कहा गया होगा कि महामारी का दौर है, ऐसे में कंधे से कंधा मिला के अब सभी लोगों को चलना है, और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी के जो राज्य सरकार है अलग अलग राज्यों में वहां उनके साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा है, सियासत जो है चरम पे पहुंची, प्रवासी श्रमिकों का जो मुद्दा है उनका घर वापसी का, इसको लेके कांग्रेस हमलावर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस को अपने दावे और वो जो बात कांग्रेस की तरफ से कही जाती रही कि हमेशा उनको प्रवासी श्रमिकों के हित का ख्याल है और उनकी जो चिंता और जो भुखमरी वहां पे सड़कों पे दिखाई दे रही है उससे जो है कांग्रेस काफी आहत महसूस कर रही है, तो अब ऐसे में समय है कि कांग्रेस अपने आप को साबित करे। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए अरिंद्र जी।